वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो हम लोगों ने कवर की थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएँ तो वो कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बेस मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन भी वहाँ पर कराए थे, ठीक है ना। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें विजुअलाइज़ करना है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है कुछ भी क्यू, और इसके चारों तरफ का कुछ एरिया होता है, ये जो एरिया है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर मैं लेके आऊँ तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इस एरिया को ही मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ। अब ये मुझे नज़र तो नहीं आ रहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, बस मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज़ करने का जो वे होता है, उसको पिक्टोरियली मैप करने का जो तरीका होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी इमेजिनेशन होती हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। मतलब कि अगर हमारे पास सपोज एक वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो उसके चारों तरफ आप लोगों को कोई ऐसी जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रही है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र थोड़ी ना आती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनेशन है, किस चीज़ के लिए, सो दैट हम लोग ये विजुलाइज कर सकें, ये समझ सकें कि किसी भी चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होता है। क्योंकि जब डायग्राम में चीज़ें दिखाई देती है तो हमारा विजुलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, ठीक है ना। देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ वे ऑफ पिक्टोरियली मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, हो सकता है अकेला एक सिंगल चार्ज हो सकता है हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, तो उन चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड अ वे टू विजुलाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराती हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, भाई पॉजिटिव चार्ज जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, तो इसके सराउंडिंग में कुछ एरिया होता है ना, जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो फोर्स लगेगा। तो जो मैंने ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके दिखाई है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है किसकी वजह से, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फिर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की वजह से। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास रखे हुए होंगे, पास पास रखे हुए अगर होंगे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग तरह से बनाई जाती है, उसको आगे पढ़ाऊंगा। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, चार्ज से दूर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं, तो आंसर है इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती हैं, टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं। कहाँ से आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर वही बात, इन्फिनिटी टू दैट चार्ज। और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाले केस में फ्रॉम दिस चार्ज टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होती हैं। अब बात ये आती है कि हमने इसे बाहर की तरफ क्यों माना और इसको अंदरों की तरफ क्यों माना। देखो सिर्फ ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन किस तरह से, हमारे पास हम लोग हमेशा एक टेस्ट चार्ज यूज़ करते हुए आ रहे हैं और उसको पॉजिटिव मानते हुए आ रहे हैं। तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर एक कन्वेंशन आया है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूँ उस फील्ड के अंदर, तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, कहाँ की तरफ धकेल देगा, बाहर की तरफ पहुँचा देगा ना, दूर की तरफ पहुँचा देगा। इस वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड मानी जाती हैं। अब आप एक काम करो, इस पॉजिटिव चार्ज को इस रीजन में रख दो, अब बताओ क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये जो नेगेटिव चार्ज है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो टूवर्ड्स द चार्ज बनाई जाती है। तो ये कन्वेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। एक बात और लिखी हुई है यहां पर, फील्ड लाइंस आर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। जो फील्ड लाइन है ना थ्री डी में होती है, जैसे ये पॉइंट चार्ज होगा सपोज करो, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, अपवर्ड डाउनवर्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़र आ ही रही हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, आपके फेस की तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, समझ में आ रही है ना बात। तो सब कुछ थ्री डायमेंशन में होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात आती है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हुई जिसको आप आगे जाके देखोगे डायपोल भी बोलते हैं, टॉपिक आएगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मेरे पास दो अपोजिट चार्ज हुए तो उस सिचुएशन में मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। देखो बहुत आसान है। अब क्या होगा, हमें इतना तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं और नेगेटिव पे एंटर करती हैं। जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव को पास पास लाके रख दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, नेगेटिव की तरफ। तो प्लस से स्टार्ट करिए मैंने और नेगेटिव पर लाके बंद कर दिए। ये पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े आपको ये ब्लू कलर में और रेड कलर में स्फीयर से नजर आ रहे हैं ना, ये पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट हो रहे हैं। तो हुआ क्या, इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और ऐसे चल के लास्ट में कहाँ पर खत्म हो गई, इसके
एंड पे खत्म हो गई, ऐसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड देन दे एंड फ्रॉम एंड इट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कहाँ पे एंड हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी, ठीक है। और ये कुछ एक्स्ट्रा हमने फील्ड लाइन बना रखी हैं जो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही हैं, भाई ये भी घूम के आ जाएंगी बाबत में ऐसे, तो हमें सब दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने दो तो ऊपर दिखा रखी हैं, दो नीचे दिखा रखी हैं, आपकी मर्जी, आप तीन तीन दिखा लो से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करनी है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये फील्ड लाइंस आपस में कट ना करें, इतना भी घिचपिच मत कर देना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ डायपोल, कि आपसे पूछा जाए डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, तो कौन सा स्केच बना के आओगे, ये वाला स्केच बना के आओगे। समझ में आ रही है ना बात। डायपोल क्या होता है, डायपोल एक ऐसी फिगर होती है जहां पे दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं और अपोजिट साइन के होते हैं, उसको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर दो अपोजिट चार्ज की हमारे पास पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं अपोजिट नेचर के, तो उसकी वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होता है जैसे हमें बना रखा है, ठीक है ना। और अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हों या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज हों, तो फिर क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकली, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें थोड़ी ना एंटर हो जाएंगी, भाई पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन होता है, तो इसका मतलब इसमें जो ये बीच में स्पेस खाली नजर आ रही है, ये कैसी स्पेस है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही रास्ते में ऐसे मुड़ गई, तो ये फील्ड लाइन निकली, ये ऐसे मुड़ गई, देखो सारी फील्ड लाइन अपने एरिया की तरफ बेंड हो गई हैं, सारी फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो गई हैं। और यहाँ पे बीच में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इसकी वजह से इस वाले प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, मिलके जीरो। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पे, मैं इसको एन नाम दे रहा हूं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सपोज ये भी 2 कूलम का चार्ज है और ये भी 2 कूलम का चार्ज है, तो उनका न्यूट्रल पॉइंट उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बिल्कुल मिडिल में मिलेगा आप लोगों को। समझ में आती है ना बात। तो ये एक ऐसा पॉइंट है दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे, जहां पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, छोटी सी बात है। अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज होते दोनों के दोनों, तो क्या होता, सेम टू सेम यही डायग्राम बनता, बस सारे के सारे एरो कैसे हो जाते, आउटवर्ड की जगह इनवर्ड एरो आप बना देते, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंपॉर्टेंट, सारे स्केचेस जितने भी पढ़वाऊंगा ना, सारे इंपॉर्टेंट, आपको सारे आने चाहिए। आप आगे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस तब बना पाओगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी आती होंगी। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कराने के लिए मैं आपसे पहले क्या ड्रॉ करवाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करवाऊंगा, और उसके बाद हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेम टाइप के चार्जेस होते हैं तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होती हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्पेशल टाइप की केसेस ले लेते हैं इनके अलावा, वहां पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाऊंगा। स्पेशल केसेस किस तरह से हो जाएंगे हमारे पास, सपोज करो फर्स्ट केस मैं यूज कर लेता हूं, मेरे पास एक ये प्लेट है, ठीक है, इसको ये वायर नहीं है, प्लेट मान लो उसको, एक ये प्लेट है और एक दूसरी प्लेट है, दोनों पे मैं सपोज करूं कि अपोजिट चार्ज ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब मुझसे ये बोला गया कि इस सेटअप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, समझते रहे ना बात। पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, जरूरी नहीं कि हर बार बेसिक केसे आए, तो आपको अपने आपको अब हर तरह की चीज़ों के लिए तैयार करो। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ पे एंटर करेंगी, ठीक, नेगेटिव पे एंटर करती है ना, प्लस से निकल के नेगेटिव पे एंटर करेंगी, कितनी बनानी है आपकी मर्जी है, इतनी बनाओ कि जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो। ये तो मैंने यहाँ बना दी, क्या डायग्राम पूरा हो गया मेरा, तो आंसर है नहीं, गलत है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इस साइड भी तो होगी भाई, इधर की साइड से भी तो बनाओगे, जो इस प्लेट पे चार्ज होगा वो तो दोनों साइड से विजिबल होगा या नहीं होगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे टूवर्ड्स द चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ऐसे लेफ्ट साइड में भी बनाओगे, लेफ्ट साइड में भी ऐसे ही बनाओगे, किस तरह से, पॉजिटिव चार्ज है तो दूर की तरफ होती है, आउटवर्ड द चार्ज होती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा ना समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से एंटर करके इस प्लेट को क्रॉस करके ऐसे निकल गई है, ना तो ये एरो के अकॉर्डिंग सही बैठती है, बट ना ही ये रियलिटी में होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस सरफेस तक रहेंगी, इस मेटल को क्रॉस करके इसके आर पार नहीं जा सकती, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में वो क्या करेगा, आपको क्या बोल देगा कि भैया ये रही एक प्लेट, अब प्लेट का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, अभी प्लेट आपकी मर्जी जैसे चाहो वैसे बना लो। उसने कहा एक है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q, प्लस Q, और ये प्लेट कैसी है, प्लेट अनचार्ज प्लेट है ना, ये न्यूट्रल प्लेट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है,
इस कॉन्फिगरेशन की वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी। अब यहाँ बच्चे घूम जाते हैं, सीबीएसई ने ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था एक बार, 3 मार्क्स में आया था, देख लो एक बार सीबीएसई में यही क्वेश्चन, कि ऐसे कुछ वर्ड था कि एक प्लेट के, एक न्यूट्रल प्लेट है उसके विसिनिटी में, वर्ड उन्होंने क्या यूज़ किया था, विसिनिटी। इसको देख के बच्चे डर जाते हैं, विसिनिटी का मतलब क्या होता है, उसके आसपास। तो एक प्लेट है उसकी विसिनिटी में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो उस सेटअप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूँ। अब कैसे ड्रॉ करें मैं, ये तो बड़ा अजीब सा है कि सर यहाँ तो चार्ज ही नहीं है तो मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अब इस प्लेट के पास में ही पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस प्लेट के अंदर प्लस माइनस तो है ना भाई, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, अब इंडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास में ही है, बहुत दूर नहीं होते। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट का नेगेटिव नेगेटिव एक साइड आ जाएगा, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव एक साइड कर लेता हूँ और पॉजिटिव पॉजिटिव को दूसरी साइड पे धकेल देता हूँ। तो ये जो चार्ज हुआ ये क्या बोलूँगा, ये इंड्यूस्ड चार्ज आया इसके ऊपर, ये कैसा चार्ज आया, ये चार्ज इंड्यूस हो गया, तो आई विल से दैट चार्जेस आर इंड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा चार्ज तो हम लोगों ने इंड्यूस करा लिए, अब आसान हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना। अब क्या दिक्कत है, अब क्या करो, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव में एंटर करती है, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पे एंटर करवा दो। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर एंटर करती हैं, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर एंटर करती हैं। इस चीज़ का मैं तुम्हें प्रूव भी करा दूंगा आगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3-4 तो यहाँ पे बना दी भाई, पॉजिटिव चार्ज से तो ये दूर की तरफ है और नेगेटिव वाली जगह पे एंटर कर रही हैं, और प्लेट पे कैसी है, 90 डिग्री से पे भी लग रही हैं आपको, कुछ आप इधर की साइड बना दीजिए थोड़ी बहुत जो आपको बनानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक दो इधर बना दो, एक आध ऐसे बना दो रेंडमली, बस थोड़ा बाकी रेंडम बनाना है। ठीक, ये हो गया, तो क्या डायग्राम खत्म हो गया, तो आंसर है नहीं भैया, इस साइड भी तो बनाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो यहाँ पे बना लो, आउटवर्ड द चार्ज होती हैं पॉजिटिव की वजह से, है ना, तो सारी बेसिक सी बातें, देखो बन गया डायग्राम, कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा मेरा कंप्लीट डायग्राम बना जिसके 3 मार्क्स थे, देख लीजिए इतना आसान सा डायग्राम है, और बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, किसी ने पढ़ाया ही नहीं था आज तक। तो ये चलिए अब आगे की कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी सिचुएशन, ऐसा भी क्वेश्चन एक बार दिया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास एक ये प्लेट है, पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना, एक ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। उसने क्या किया, उसने इसके बाद यहां पे इस जगह पे एक चार्ज रख दिया Q1, ठीक है, और अब उसने पूछा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे स्केच करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहां पे क्या होने वाला है। देखो अब यहाँ पे पूछोगे कि भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके अंदर से नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ बिल्कुल भाई ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें से क्या करेगा, नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो ये पॉजिटिव वाले हैं सारे के सारे उनको साइड में धकेल देगा। पॉजिटिव चार्ज कुछ तो इसमें पहले से ही दिखाई दे रहा है, कुछ और आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, तो होगा क्या फाइनली, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि इस सरफेस पे तो क्या आ जाएगा सारा का सारा, नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और इस सरफेस पे क्या आ जाएगा सारा, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लोगे ना आराम से, यहाँ पे इस तरह से एंट्री होगी जाएगी, यहाँ पे ये इस तरह से एंटर हो जाएंगी, ठीक, यहाँ पे इस साइड बना लेना आप लोग जैसे बनाना चाहो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अच्छा यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ एंटर करा दोगे, ये बात ध्यान रखना, आप जब कैपेसिटर पढ़ोगे ना तो कैपेसिटर में भी यही होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है एक नेगेटिव प्लेट होती है, और उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बनाया ना इसी तरह एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक, और ये नेगेटिव प्लेट है इसके लिए मैंने ऐसे बना लिया, कहाँ पे टूवर्ड्स द चार्ज है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया सिचुएशन। तो मेनली प्लेट के ये दो केस इंपॉर्टेंट है, आपको ये दो तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बता दिया, ये तो शायद आपके यहाँ पूछा नहीं जाएगा, ये ऑलरेडी पूछा हुआ और ये बहुत बेसिक्स है, ये हमें आना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है एक चीज़ और, स्फेयर की अगर उसने बात कर ली, तो सपोज करो कि मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है ना, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, कैसा है ये स्फेयर है, मैं लिख देता हूँ मेटल स्फेयर है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है, कंडक्टिंग है, मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर है, तभी इसको जितना भी चार्ज दिया गया है कहाँ एंड इसकी सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो मेटल को जितना भी चार्ज देते हैं वो उस मेटल के अंदर नहीं जा पाता, सारा सरफेस पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होकर भागेंगे दूर दूर, मान लो कि हम लोगों ने मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज दे दिया बहुत सारा, तो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा और ये सारे चार्ज भाग के दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर होकर कहाँ आ जाएंगे, मेटल की सरफेस पे आ जाएंगे, क्योंकि ये मेटल चार्जेस को चलने के लिए अलाउ करती है। तो याद रखिएगा किसी भी मेटल को दिया गया चार्ज, चाहे वो खोखला मेटल हो, ध्यान रखना, चाहे ये सॉलिड स्फेयर होता चाहे ये हॉलो स्फेयर होता, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज, चार्ज मेटल स्फेयर पे हमेशा क्या होगा, उसकी सरफेस पे लाई करेगा, चाहे वो कोई प्लेट ही क्यों ना हो,
ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करूंगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे होती है, आउटवर्ड होती है ना, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। कितनी ड्रॉ करनी है भैया ये आपकी मर्जी है, एक बात बहुत अच्छे से सुन लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चलाते चलाते सेंटर तक मिल जाना, क्यों, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर तक ले गए तो फिर तो आपने इस मेटल स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया ना, जो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बस सरफेस तक जाके टर्मिनेट हो जाएंगी, भैया सरफेस के अंदर मत ले जाना, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत। ठीक, इस तरह से मैंने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे शो कर दी, तो ये इस मेटल स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, चलिए अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये प्रॉपर्टीज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, इनमें ऐसे मान के चलो हर एक प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, पहली प्रॉपर्टी में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं हाइपोथेटिकल हैं, हाइपोथेटिकल जिसे इमेजिनरी बोलते हैं। हाँ, हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए यूज़ करी है, हमें पता है। अच्छा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाती हैं, वापस घूम के नहीं आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज से चली नेगेटिव चार्ज तक गई और घूम के वापस पॉजिटिव चार्ज पर आ गई, इसका मतलब ये लूप नहीं बनाती हैं, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिएगा, क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। अब कोई मेटल स्फीयर है अगर मेरे पास, तो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती ना, तो घूम के वापस थोड़ी ना आएंगी लाइन, और जब तक घूम के वापस नहीं आएंगी तब तक लूप कैसे बोलोगे। लूप का मतलब तो ये होता है ना कि जहाँ से चले वापस घूम के आ गए, मतलब कुछ इस तरह से अगर कहीं पे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ये लूप, तो ये तो लूप हो गया, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि इन्हें पॉजिटिव से चल के नेगेटिव पे ही टर्मिनेट होना होता है। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सपोज करो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी, यहाँ पे होगा मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे होगा मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज, सपोज करो ऐसे ही है, सपोज मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी प्लस से माइनस की तरफ, ऐसे एरो बना दिया। अब मैं ये चाहता हूँ पता करना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाई थी, यही तो देखने के लिए बनाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से दिखता है, किस तरह से विजुलाइज होता है। तो इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट पे मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो क्या करना होता है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। एक टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी पर्टिकुलर कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है। तो मैं यहां पे कोशिश करूंगा एक टेंजेंट ड्रॉ करने की, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लगभग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो ये टेंजेंट मैंने जो ड्रॉ करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, ठीक है ना, किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है। अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट क्यू मानना हो, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन चेक करनी हो, तो मैं टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो यही यहाँ पे प्रॉपर्टी में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे ये वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है ना। तो कोई यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, जिस भी पॉइंट पे आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पॉइंट पे टेंजेंट क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह से ड्रॉ करना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आपस में ना काट दें, क्योंकि अगर उन्होंने आपस में काट लिया, कट कर दिया, देन वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी एक ही सिंगल पॉइंट पे। एक पॉइंट पे अभी तक तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे थे ना, अब आप एक पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। दो टेंजेंट का मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वहाँ पे, बस समझ में आ रही है ना भाई, एक टेंजेंट मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और दो टेंजेंट मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे, ऐसा हो नहीं सकता। एक पॉइंट पे एक ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बात समझ में आ रही है ना। अब अगर इस जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गए, तो यहाँ पे तो भ्रम हो जाएगा, या तो डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये सपोज करो ये पर्सन है, आप कह रहे हो ये पर्सन यहाँ भी जा रहा है, ये पर्सन यहाँ भी जा रहा है, अब एक इंसान दो जगह पे एक साथ कैसे जा सकता है, ठीक है। तो अब इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक बात अच्छे से मैं फिर से वो आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज जो है ये, इन प्रॉपर्टीज़ के हर पॉइंट पे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक नंबर का नहीं तो कभी दो नंबर का। तो हर एक जो क्वेश्चन पॉइंट है अपने आप में एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
आपस में नहीं काट सकती, इसको देखो कैसे जस्टिफाई करेंगे। सपोज मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, एक तो मैंने यहाँ पे बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज करो ये फर्स्ट वाली लाइन है और जानबूझ के गलत बनाऊंगा, और एक दूसरी मैंने ऐसे बना दी, ये मेरी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। समझ में आ रही है ना बात? तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पर काट गई, कॉमन पॉइंट हो गया। अब आप क्या कर पाओगे, यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे, कैसे? पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग एक टेंजेंट तो ऐसे आ जाएगी, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग आ गई, और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग जो दूसरी टेंजेंट है वो कैसे आ जाएगी, वो टेंजेंट आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर पाओगे, वो ऐसे आ जाएगी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग। तो आप खुद देख लो यहाँ पे, इस जगह पे एक सिंगल पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, तो ये सिंगल एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं एक ही जगह पे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस वजह से जो ये सिचुएशन, ये डायग्राम बना के आना है एग्जाम में आपको, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये सिचुएशन भैया नहीं हो सकती है। एक पॉइंट पे रूल ये कहता है एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। भी कट कर दिया तो दो टेंजेंट आ रही हैं, वो हो ही नहीं सकता, जब दो टेंजेंट नहीं हो सकती तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस पॉइंट में क्या बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। प्लेट पे भी बताया था ना, अब बात आती है ऐसा क्यों होता है कि क्यों परपेंडिकुलर होती हैं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर वापस आके इसको आपको पढ़वाऊंगा, पहले बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है एग्जैक्टली। देखिए सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर मैंने यहाँ पे बनाया, मेटेलिक कंडक्टर, ये क्या है, एक मेटल स्फीयर है, फिर से वही बात, मेटल स्फीयर है, ठीक। इसको चार्ज दिया गया पॉजिटिव चार्ज, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, ऐसे एक्सप्लेन करना है बिल्कुल, ठीक। हमने क्या करा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बिल्कुल सही, यहाँ पे 90 पे है, करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बनाता हूँ यहाँ पे रैंडमली किसी और जगह पे जो गलत होगी, जो यहाँ पे कुछ एंगल बना रही होगी, सपोज एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना ली। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इस पॉइंट पे जो मैंने बनाई है यहाँ पे, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस जगह पे अब अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ तो इसने कुछ एंगल बना लिया ना, थीटा एंगल बना लिया ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने, भाई ब्लू कलर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ हुई जो एक्यूट एंगल बना रही है कुछ यहाँ से, थीटा एंगल। तब होगा क्या, इस सिचुएशन में इस ब्लू वाली लाइन के अब दो कंपोनेंट कर दोगे, तो ब्लू वाली लाइन के यहाँ पे जब दो कंपोनेंट आ जाएंगे किस तरह से आएंगे, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा अलोंग द सरफेस और एक कंपोनेंट हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक कंपोनेंट तो आ गया यहाँ पे ये ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर कौन सा आ गया, ई साइन थीटा। कंपोनेंट ड्रॉ करने सबको आते होंगे, एंगल वाली साइड पे कॉस आता है, बची हुई साइड पे साइन आता है। अच्छा तो अब इसका तो कोई रोल रहा नहीं, अब इन कंपोनेंट को देख लेते हैं। अब देखो ये ई साइन थीटा यहाँ पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर जो इस पॉइंट पे चार्ज बैठा हुआ होगा ना, उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ है, तो यानी फोर्स भी उधर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तो होती है, सेम होती है ना, तो इसका मतलब इस चार्ज को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी। बट ये चार्ज चल के बाहर नहीं जा सकता ना, क्यों, बाहर कौन है, बाहर तो एयर है, तो एयर में तो चार्ज चल के जा नहीं सकते, तो इसका मतलब इस कंपोनेंट से उसको कोई खतरा नहीं है, तो यहां पे तो ई साइन थीटा की वजह से सेफ है, क्योंकि फोर्स भले ही बाहर की तरफ लग रहा हो बट ये चार्ज निकल के बाहर नहीं आ सकता, तो नो प्रॉब्लम। अब बात आती है ई कॉस थीटा की, भैया ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब ई कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है ये अलॉन्ग द सर्फेस है, अलॉन्ग द सर्फेस लग रहा है, यानी सर्फेस के अलॉन्ग चलाने की कोशिश की जा रही है, फोर्स भी इधर की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, इस ई कॉस थीटा की वजह से यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो सर्फेस के अलॉन्ग चलना स्टार्ट कर देगा। भाई सबके साथ ऐसा होगा, मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके सिखाई है, यहाँ पे चार्ज जो प्रेजेंट था वो ऐसे चलने लगा। सपोज करो कि इस जगह पे हम लोगों ने एक फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करी उसी एंगल पे, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो ऐसे चलने लगेगा, यानी पूरी सरफेस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। और इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं कर सकता, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है कि चार्ज शुड रिमेन एट रेस्ट, बात समझ में आ रही है, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फिनोमेना ही पूरी गलत हो जाएगी। तो इस वजह से ये ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पे दिक्कत करेगा, और ये कंपोनेंट क्यों आ पाया, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बनाया, किसी एंगल पे बनाया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बनाते जैसे मैंने एग्जिट लाइन बनाई थी, तो यहाँ पे तो कंपोनेंट करने की बात ही खत्म हो गई ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, और सरफेस पे परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज चल के बाहर जा नहीं सकता क्योंकि बाहर एयर है, सरफेस के अलावा कोई कंपोनेंट बचा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ रही है ना बात, तो जो ये ऊपर सिचुएशन तुम्हें समझाई है, यहाँ प्रॉब्लम है इस ई कॉस थीटा से जो चार्ज को मूव करा सकता है। अब पढ़ लेते हैं जरा क्या होने वाला है, स्टोरी मैंने क्लियर करा दी तुम्हें।
बिकॉज क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक एन एक्यूट एंगल विद द सर्फेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक्यूट एंगल बना लिया ना भैया, देन देयर विल बी टू कॉम्पोनेंट ऑफ दिस फील्ड. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे. दो कॉम्पोनेंट दिखाए थे, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा. जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट था उस पर वो क्या करेगा, वो फोर्स अप्लाई करेगा उस चार्ज के ऊपर जो उस सर्फेस के उस पॉइंट पर प्रेजेंट होगा. अब जब चार्ज पर फोर्स अप्लाई होगा तो भैया चार्ज चलेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मेटल कंडक्टर है, चार्ज चल सकते हैं. द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है ना, तो ये पूरा प्रॉपर वे में आंसर लिखा हुआ है और ये है उसका आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से चीजें एग्जीक्यूट की जा रही है. ठीक है, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे 90 पे होती हैं. क्वेश्चन का भैया आंसर है, ध्यान रखना, बहुत सही से चीजें समझा रहा हूं. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं. तो भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्राउडेड फील्ड लाइंस मींस स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड वाइस वर्सा. मतलब जहाँ पे बहुत भीड़ होगी, जहाँ पे बहुत क्राउड होगी फील्ड लाइंस की, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है. जहाँ पे भीड़ नहीं होगी यानी बहुत दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा. सपोज करो कि इलेक्ट्रिक एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ ऐसे रैंडमली. मतलब ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही थी सिंपल, और ये यूं हो गई है ना, ऐसे सिंपल. कुछ समझाना है मुझे यहाँ पे. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी, ठीक है ना, टच मत करा देना. फिर ऐसे हो गई. फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना देते हैं रैंडमली. फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी और वो ऐसे हो गई. फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक और बना देते हैं, ऐसे थी और वो ऐसे हो गई. ठीक है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अब एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है ए, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है बी. ठीक है, अब ज़रा मुझे बताओ कि जो बी पॉइंट जिस रीजन में है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, नज़र आ रहा है ना, दिख रहा है ना सब कुछ. तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास हैं और ए जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर हैं. तो इसमें आपकी जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, अगर क्राउडेड फील्ड लाइन होगी तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? तो आई विल से दैट यहाँ पे, यानी कि हेयर आई कैन से दैट हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी बी पे, वो ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में. मेरी बात समझ में आ गई. तो ये लॉजिक था इस वाली प्रॉपर्टी का कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी ना, मतलब जितना पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, क्राउड का मतलब पास पास, उतना ही स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा. उसका उल्टा कर दो. ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना किसी भी चार्ज से, वो डिपेंड करती है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. मतलब कि जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शॉर्ट में लिख देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नंबर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है जिस चार्ज की आप बात कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज. मेरी बात समझ में आ रही है ना, तो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है. डायग्राम में देखो आपको कितना क्लैरिटी से दिखाया हुआ है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू है. तो आपके पास चार पांच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर आ रही है आपको, चार्ज की वैल्यू मैंने डबल कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काउंटिंग बढ़ गई ना बढ़ गई इसके चारों तरफ. तो उसका मतलब अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काउंटिंग भी बढ़ जाती है. और एक बात अगर आपको याद कराऊं, आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की काउंटिंग को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं. तो जैसे ही मेरे पास चार्ज की वैल्यू डबल हुई तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की काउंटिंग भी क्या हो गई, पहले से ज्यादा डबल नहीं, अब गिनने मत बैठ जाना किसी, आपने यहां जितनी बनाई उसका डबल है या ट्रिपल है ऐसा कुछ नहीं है, काउंटिंग नहीं करनी है. बस आपको यहां पे ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले कम थी अब ज्यादा हो गई है. क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है. ठीक है, तो इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी आपको सारी कवर करा दी. अब देखो ये डायग्राम जो बनाया था, फिर से ये डायग्राम आ गया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आप लोगों को अब थोड़ा बहुत मतलब वैल्यू में चेंज हो सकता है. जो अरिहंत की ऑल इन वन वाली बुक आती है ना, उन बुक के अंदर भी इस क्वेश्चन को दिया हुआ है. अब क्वेश्चन वहाँ पे कुछ और हो गए मुझे पता नहीं, बट उसी टाइप का क्वेश्चन है. कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, पूछना चाहते हैं. इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑन द लेफ्ट, यानी राइट ये है लेफ्ट ये है, लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ट्वाइस एज मच सेपरेशन एज दैट ऑन द लेफ्ट एज दैट ऑन द राइट. यानी लेफ्ट साइड पे जितना सेपरेशन है वो सेपरेशन दुगना है राइट के कंपैरिजन में, ये उन्होंने बोला है. हाँ ज़्यादा तो हमें नज़र आ रहा है, बट उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोल दिया, ये सेपरेशन डबल है, यहाँ पे डबल है इसके कंपैरिजन में. अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे ये यूज़ करेंगे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये बोल सकते हो ना कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्राउडनेस है वो इस जगह से डबल है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्राउडनेस डबल है तो उसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस स्पेस की जगह ऐसे लिखो, नॉट स्पेस, सेपरेशन, सिंस सेपरेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट साइड, किस साइड, लेफ्ट साइड इज डबल, डबल है कि इसके कंपैरिजन में इज डबल देन ऑन राइट साइड, ये बात उसने दे रखी है। इसके बिहाफ पे क्या लिखोगे, तो उसका मतलब जो यहाँ पे ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगा बी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का। मेरी बात समझ में आ गई है, ये बात आपको अपने दिमाग से सोचनी पड़ेगी। यहाँ पे जब क्राउडनेस ज़्यादा है, वो क्राउडनेस इस पहले वाली क्राउडनेस के डबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो डबल होगा नहीं होगा, तो ये लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिया। अब देखो ए पार्ट पे उसने क्या बोला, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 न्यूटन पर कूलम का है, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 का है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे। समझ में आ रही है ना बात, कितना आ गया 30 न्यूटन पर कूलाम का, तो आपने बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो आपसे पूछा क्या था वैसे इसने, देखो सेकंड पार्ट में पूछा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कितना होगा, तो मान लो कि मैंने ये बी पार्ट सॉल्व कर दिया पहले, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए का आधा है। अच्छा ए पार्ट में और क्या पूछा इसने, व्हाट फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एट ए, सपोज ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, स्कोर निकाल लेते हैं। तो ए वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इसमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है क्यू इन टू ई, फोर्स चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, ए पॉइंट पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा यूज़ करना है, ए पॉइंट का यूज़ करना है। तो चार्ज ए पे कौन सा रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, ई होती है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, छोटा ई होता है ना, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे कितना है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसने खुद दिया हुआ था कितना 60 वैल्यू का, तो इंटू 60 है ना। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख देना क्या, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इंटू 60, जो भी आएगा उतने न्यूटन फोर्स निकाला है ना, तो उतने न्यूटन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, सारा लॉजिक यहां पे बेस्ड था आप लोगों के पास, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आएगा ना, तो हम उसको भी टैकल कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी एनसीईआरटी में दी हुई कुछ बेसिक सी चीजें, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, मैं पूछा है इनमें से, क्वेश्चन पढ़ लेना, विच अमंग द कर्व शोन इन दिस फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इनमें से कौन कौन से जो कर्व हैं वो गलत हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब उसके लिए दिमाग में क्या होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टियाँ। चलो एक एक करके चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आते हैं इस वाले पे, कंडक्टर है ये। अब कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, 90 डिग्री पे है, कि आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजर नहीं आ रही जो 90 पे नहीं है, लाइक जैसे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 पे नजर आ रही है कहीं पे, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 पे नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 90 पे नजर आ रही है, ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो अजीब अजीब सी बनी हुई है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला डायग्राम किस वजह से गलत हो गया, ये हमने प्रॉपर्टी यूज करी, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर ऑन द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये वाला डायग्राम क्या है, ये डायग्राम गलत है, ठीक। MCQs में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तीन चार डायग्राम दे देंगे, पूछेंगे बताओ कौन सा सही है, तो सब कुछ पता होना चाहिए। अब अगले वाले पे देखो जरा, इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगी, हाँ निकल रही हैं, माइनस में एंटर कर रही हैं, हाँ कट रही हैं यहाँ तक तो ठीक है, फिर ये माइनस आ गया, अब ये माइनस से भी निकलनी शुरू हो गई, देखो माइनस से भी बाहर निकल रही हैं, तो माइनस से इलेक्ट्रिक लाइन बाहर कैसे आ सकती हैं, माइनस से तो टूवर्ड्स होती हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो एक तो गड़बड़ आपकी यहाँ पे इस जगह पे मिल गई, ये गलत है ना। इसके अलावा ये भी गड़बड़ मिल जाए वैसे तो गलत है क्वेश्चन, फिर भी आगे देख लो, ठीक है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से प्लस जा रहे हैं, देखो प्लस से प्लस जा रहे हो, और तब इन्होंने प्लस में से निकाल के प्लस में एंटर करवा दी, तो फाइनली क्या हुआ, तो ये पूरा डायग्राम क्या हो गया, गलत हो गया। तो यानी ये डायग्राम भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करता था, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम नहीं है, तो दो यहाँ पे आंसर हुए। कैन नॉट पूछा था ना कौन कौन से नहीं हो सकते, तो भैया ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो दो हमारे पास आंसर में आएंगे। तीसरे वाला देखते हैं, ये हो सकता है क्या, हाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, आउटवर्ड देख लेना ध्यान से कि आउटवर्ड लाइन है कि हाँ सारी की सारी चार्ज से बाहर जा रही हैं, सारी बाहर जा रही हैं, तो ये डायग्राम हमारे पास ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये पॉसिबल है, कैन नॉट पॉसिबल में ये नहीं आएगा, तो ये पॉसिबल है। चलिए और दो क्वेश्चन इसमें और दे रखे हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन कट कर गई आपस में और कट कर नहीं सकती, तो ये डायग्राम भी क्या है, नॉट पॉसिबल, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे कभी नहीं हो सकती, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, यहाँ पे लूप नजर आ गए, एकदम याद आ जाना चाहिए, तो लूपिंग नहीं हो सकती ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, लूपिंग नहीं कर सकती, तो लूपिंग फॉर्मेशन ना होने की, लूपिंग फॉर्मेशन हो जाने की वजह से ये कैसी है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आई बात समझ में, तो सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास आई थिंक एक ही डायग्राम आया जो पॉसिबल, बाकी सारे नॉट पॉसिबल हैं, तो बाकी सारे किसका आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे, यानी इसमें से पाँच दो चार डायग्राम ऐसे थे जो हमारे पास नॉट पॉसिबल में आए थे, ठीक है जी। अब होमवर्क के कई सारे क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं मिला था, तो अब आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप लोगों के पास ये दो चार्ज कोई दो कोऑर्डिनेट पे दिए हुए हैं, आपको ओरिजिन पे चार्ज जो रखा हुआ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका जो आंसर आएगा मैं आपको लिख देता हूँ किस तरह की कुछ वैल्यू आएगी, थोड़ा बहुत मेरे को जितना पता है। तो यहाँ पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शायद से कुछ ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे के बाहर आ जाएगा, एक क्यू बाहर आ जाएगा, और वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स टू स्क्वायर है ना। और डायरेक्शन भी पूछिए, तो भैया डायरेक्शन जब यहाँ पे निकालोगे
तो डायरेक्शन की जब बात करेंगे, यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास रखा हुआ है माइनस एक्स टू और ज़ीरो पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और क्यू वन एक्स वन और ज़ीरो पे रखा हुआ है हमारे पास नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी हमारे पास टूवर्ड्स राइट साइड है ना, तो राइट साइड आपके पास आनी चाहिए। अब सॉल्व कर लेना, मैं अपने आप अपने लॉजिक से बता रहा हूँ, तो ये राइट साइड में आना चाहिए, तो कुछ इस तरह का आंसर आना चाहिए। और कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट में होमवर्क क्वेश्चन अलग क्या है, यहाँ पे देखो इसने दो चार्ज दिए हुए हैं इस वैल्यू के, 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पूछा है डिटरमिन द पोजीशन पोजीशन ऑफ द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको बताना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे ध्यान रखना दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इन दोनों के बीच में कहीं पे नहीं आ सकता जीरो, या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। आप दोनों सॉल्व करके देखना और देखना कौन सा आंसर परफेक्ट बैठ रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो बीच में ज्वाइन करोगे ना, तो बीच में तो देखो पॉसिबल नहीं है। आपको नॉर्मली बता दूँ, यहाँ 16 है प्लस 16, यहाँ पे कितना है माइनस 9। आपने मान लिया यहाँ पे वो पॉइंट मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब जरा सोचो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा दूर की तरफ, माइनस वाले की वजह से कैसे होगा दूर की मतलब टुवर्ड द चार्ज, प्लस वाले की वजह से चार्ज से दूर की तरफ, माइनस वाले की वजह से चार्ज की तरफ, तो दोनों एक डायरेक्शन में हो गए नहीं हो गए, तो इसका मतलब आंसर जीरो आने गई नहीं। तो इसका मतलब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा कहीं बाहर, या तो इस साइड या इस साइड, ठीक है। अपना आप ट्राई करिएगा इस चीज़ को, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्केच करवाइए, एक पॉइंट चार्ज दिया है किसकी विसिनिटी में रखा हुआ है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। देखो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो आपको करा दिया था, अब इसे खुद से प्रैक्टिस करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन में इसने दो पॉइंट चार्ज दे रखे हैं प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू, ये कहाँ रखे हुए हैं बी और सी कॉर्नर पे। मैं रख देता हूँ यहाँ पे, लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे बी है मेरे पास, यहाँ पे सी है, और बी और सी पे कितने चार्ज रखे हुए हैं, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस टू क्यू, और ये वर्टेक्स मेरे पास ए है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो साइड है वो साइड कितनी है, ए साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ये। अच्छा पूछा क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन भी निकालनी है। मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे डायरेक्शन भी निकलवाई थी, याद रखना लास्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन है जहाँ डायरेक्शन भी निकलवा रखी है आपको, तो खुद प्रैक्टिस करना इसकी, ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए। तो आपको इन दोनों की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी खुद से सॉल्व करना। तो कई सारे क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, बात ध्यान रखो, क्वेश्चन कर सकते हो जितने उतने करो, ठीक है ना। तो ये पार्ट नंबर हमारा जो 6th पार्ट था वो खत्म हो गया, अब आगे के जो पार्ट्स होंगे वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है।